Hare Krishna. साल में एक बार मैं पुणे आता हूँ तो लुक फॉरवर्ड कुंजबिहारी देखो आता हूँ यहाँ पे कई साल 10 से 11 साल 12-13 साल यहाँ पे मैंने गुजारे हुए तो कृतज्ञ हूँ मैं यहाँ पे आने के लिए आप सबके बीच में और कई वरिष्ठ भक्त यहाँ पे देख रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम. तो आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे how to find power in a powerless situation. कि जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब शक्ति ही होते हैं तो फिर तभी हम कैसे कार्य कर सकते हैं. तो ये जो श्लोक मैंने पढ़ा ये मंदोदरी विलाप कर रही है रावण के वध के बाद और वो कह रही है ये श्लोक का जो भाव है वो काफी रहस्यमय है. सबसे पहले वो कहते रावण को महाभाग. जब रावण तो उसे नाम है जो उड़लाता है तो उसे महाभाग क्या है वास्तव में. Our fortune is determined by two things: what we have and what we do with what we have. क्या हमारे पास है और जो हमारे पास है उसके साथ हम क्या करते हैं. तो रावण के पास भाग्य इस भाव में था कि उसके पास बहुत शक्ति थी बहुत सामर्थ्य था भी कोई राज्य चलाना कोई आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी हो उसको अगर राज्य चलाना है तो उसके लिए उसके लिए नियोजन करने की क्षमता लगती है युद्ध करने में शौर्य लगता है तपस्या करने की शक्ति थी. तो जो हमारे पास है वो एक प्रकार का भाग्य और जो हमारे पास है उससे हम क्या करते हैं वो दूसरे प्रकार का भाग्य है. तो अभी जो रावण ने अपने उसको महाभाग इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके पास बहुत शक्ति थी बहुत सामर्थ्य था बहुत प्रतिभा थी. जब हनुमान जी ने पहले बार रावण के दरबार में रावण को पहले बार देखते हैं तो सोचते हैं कि कितना शक्तिशाली है समर्थ्यशाली व्यक्ति है. अगर यह धार्मिक होता तो यह देवताओं का भी संरक्षण मिल जाता होता. तो इस तरह से वो जो भाव रखते हैं वही भाव यहाँ पे आता है महाभाग. तो अभी हम सबके जीवन में हमारे पास कुछ चीजें हैं और कई चीजें ऐसी नहीं है. हमें लगा कि शायद मुझ में इतनी बोलने मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ मैं इतने से बोल नहीं सकता इतने से ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता ये चीजें मैं कर सकता हूँ. तो हम सब अलग अलग मात्रा में हमारा भाग्य हमारे जन्म के साथ हमारे शरीर के साथ हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्राप्त करते हैं. पर हमें हम क्या लाते हैं हमारे साथ उससे महत्वपूर्ण है हम क्या करते हैं. यहाँ पे बताया गया तेजो अनुभव नवेद कि अहे रावण तुमने सीता की शक्ति नहीं समझी और यहाँ पे बता रहे हैं कि क्योंकि तुम सीता की शक्ति नहीं समझी उसके कारण अभी तुम्हारी इमाम दशा ये दशा हो गई है. क्या हो गया अभी रावण मृत गिरा हुआ है. तो यहाँ पे हम साधारणतः कहते हैं कि हमें भगवान के लिए निमित्त बनना है. तस्मात् तुम तिष्ठे चौलभस्व जित्वा शत्रुन् वंशराज्यं समृद्धं मयैवैते यथा पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाची. तो निमित्त मात्रं भव सव्यसाची. भगवान 11वें अध्याय 13वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन से कि तुम मेरे लिए निमित्त बनो और निमित्त बन के तुम मेरे लिए युद्ध करो. तो साधारणतः हमें भगवान का निमित्त बनना है पर यहाँ पे ऐसे बता रही है मंदोदरी कि वो तुमने रावण तुमने सीता की शक्ति को नहीं समझा इसीलिए तुम्हारी दशा हो गई. पर इस श्लोक में राम का उल्लेख ही नहीं है. राम ने वध किया है पर राम का उल्लेख नहीं कर रहे. मतलब एक तरह से वो कह रही है कि राम एक निमित्त बन गए सीता का शाप दिलाने के लिए. हम सोचते हैं वी हैव टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर गॉड पर यहाँ पे गॉड हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर समवन कि हम किसी के लिए निमित्त बनने के जगह पे
भगवान के निमित्त बनने के लिए यहाँ पे भगवान निमित्त बन गए। और हम देखते हैं तब से सीता और सीता अभी उस समय एक ही बहुत ही असह्य अवस्था में थी, उसको अपहरण हो गया था और वहां पे मंदोदरी भी एक तरह से असह्य अवस्था में थी। अभी वो रानी थी, उसका अपहरण ही हुआ था, पर क्या है मंदोदरी को धर्म पता था और वह रावण को उपदेश देने का प्रयास कर रही थी, कर दे रही थी उपदेश और रावण बिल्कुल सुन नहीं था। तो अभी एक तरह से दोनों वहां पे एक असह्य या शक्तिहीन अवस्था में है। हम देख रहे हैं कुछ ऐसे जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है और हम समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, होगा तो इससे और बहुत परेशानी हो जाएगी, पर जब हमारे पास वह शक्ति नहीं है कि उसे रोके, तो ऐसी शक्तिहीन अवस्था जब हम देखते हैं कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, पर वो रोकने की शक्ति हमारे जीवन में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई रहा है आज तक अपने जीवन में जब आप देख रहे हैं कुछ नहीं होना चाहिए? कोई भी हम सब देखते हैं कैसे कुछ लोग ऐसे कार्य कर रहे होते हैं, कैसे ऐसे गाड़ी है जो अभी पहाड़ से नीचे गिरने वाली है, पर वो हमारे बात सुन नहीं रहे, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जब ऐसी शक्तिहीन होते हैं हम, तो एक प्रतिक्रिया होती है विध्वंस। क्रांति जब होती है कई बार, तो क्रांति का कारण क्या होता है? मैं अभी अमेरिका से आया तो वहां पर एक कॉन्फ्रेंस में था, तो एक फ्रांस से वहां पर व्यक्ति था और हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, फ्रांस में उत्क्रांति हुई थी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कई उत्क्रांतियां हुई है, पर उस समय क्या होता, ऐसे लोग सोचते थे कि धर्म जो है बहुत अंधश्रद्धा है, उसमें धर्म के नाम पर बहुत सारी बुरी चीजें हो रही है। तो उन्होंने क्या कर दिया, जब जब उत्क्रांति तो हजारों हजारों लोगों को बेरहम से मारा, सो गिल्डर कहते हैं जिससे, सबका वध कर दिया। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, आगे जैसे बढ़ते गया और विनाश 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 बढ़ गया। कई लोग आजकल कहते हैं कि धर्म के नाम पे इतना आतंकवाद होता है, हिंसा होती है, पर वास्तव में नास्तिकवाद के कारण, अगर दुनिया के इतिहास में देखते हैं, आधुनिक इतिहास में नास्तिक राज्य अगर कोई हो गए तो चाइना और सोवियत रशिया। और चाइना और सोवियत रशिया में 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ लोग की को मारा गया, एंड मतलब पहला महायुद्ध दूसरा महायुद्ध इन दोनों को मिला के जितना है उससे कई ज्यादा हत्या केवल नास्तिक देशों में हुई है, जहां पे उन्होंने धर्म का विनाश करके उन्होंने नास्तिकवाद के अनुसार प्रगति करने का प्रयास किया। तो अभी कई परिस्थिति ऐसे हो सकता है कि बहुत चीजें गलत चल रही है, तो कोई गलती हो रही है तो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया होती है ये सारा इसका विध्वंस कर, ये सब कुछ खराब ही है। एक यूरोपियन विचारवंत था कि वो बोले यूरोप कब सुखी होगा, जब व्हाट इज अ प्रीस्ट, ए क्रिश्चियन प्रीस्ट, पादरी। तो बोले कि आखिरी पादरी के अंतरी से आखिरी राजा के गले को हम जब घोट देंगे तब तो डिडेरॉट जो उसका नाम था, when the intestines of the last priest are used to strangle the last king, last nobility, then Europe will know peace. तो अभी समाज में साधारणतया ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होते हैं वो नेता होते हैं एक तरह से, जैसे शरीर होता है, शरीर में शरीर का जो कार्य होता है वो मन बुद्धि के अनुसार होता है। तो उसी तरह से हमारे सामाजिक शरीर में ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वह प्रधान होते हैं, और कई बार ब्राह्मण और क्षत्रियों में धर्मग्लानी हो सकती है, पर जो लोग सोचते हैं कि ये गलत है इसका पूरा विध्वंस करो,
ट्रेडिशन इज लाइक अ ट्री वी आर स्टैंड सिटिंग ऑन. हमारी जो परंपरा है वो है एक पेड़ है जिसपे हम बैठे हुए हैं. जब हम उसको तोड़ देते हैं, जब हम पेड़ पे बैठे होते हैं, पता भी नहीं है कितना ऊंचा है. जब टूट जाएगा और गिर जाएगा तो कितना नीचे गिरेंगे वह हमें पता नहीं है. और जब मैं पाश्चात्य देशों में ट्रैवल करता हूँ तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि वहां पे अभी जो फेमिनिज्म जो है, फेमिनिज्म मतलब एक तरह से कहते हैं कि बहुत से समय से स्त्रियों के प्रति पुरुषों ने अत्याचार किया है तो अभी स्त्रियों को सब सही मौके, समान मौके मिलने चाहिए. ये बात ओके है, किसी के प्रति अत्याचार नहीं होना चाहिए और सबको समान मौके देने में उचित पते से गलत नहीं है. पर कुछ लोग इसी को लेके क्या करते हैं कि अभी पाश्चात्य देशों में, मैं लॉस एंजल्स में था और वहां पर मैं जब आके वॉक के लिए गया था, वहां पार्क में गया था, तो वो पार्क में जब नॉर्मली अगर आप पार्क में जाते हैं तो वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, पर माता पिता वहां पे बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो ये पूरे पार्क में कोई भी बच्चे नहीं थे, सिर्फ कुत्ते थे. इनफैक्ट ये स्टैटिस्टिक्स है, संख्या है कि जो कॉकेशियंस मतलब जो सफेद लोग हैं, उनके परिवारों में बच्चों से ज्यादा कुत्तों की संख्या है. और क्या है, जिनके में कुत्ते हैं पर वो सब कुछ अपने कुत्तों के साथ करने जाते हैं. तो मैं पाश्चात्य वेस्टर्न प्रोग्राम्स करता हूँ तो कई जगह योगा स्टूडियो होते हैं, तो योगा स्टूडियो में प्रोग्राम होते हैं. तो मुझे एक बार होता है कि आपका योगा स्टूडियो में नहीं है, डोगा स्टूडियो में प्रोग्राम है. तो मैं डोगा क्या है, तो वो डोगा क्या था, योगा विथ डॉग, कुत्ते के साथ योगा करना. तो फिर बाद में बताया डोगा ही नहीं है, कोगा भी है. कोगा क्या है, अपनी बिल्ली के साथ योगा. तो मैं योगा कर रहा हूँ, मेरी बिल्ली, मेरा कुत्ता अकेला नहीं था. तो भी ये क्यों हो गया है, अनेक कारण हो सकते हैं, पर जब हर एक व्यक्ति को समाज में एक निर्धारित जगह होती है और जब अभी जब पुरुष स्त्रिया सब अपने करियर के पीछे भागते हैं तो फिर क्या होता है, बच्चे एक बोझा बन जाते हैं. मैं एक एंटी अबॉर्शन कॉन्फ्रेंस में गया था गर्भपात के खिलाफ बात करने के लिए, वहां पे जो the ferocity, जो तीव्रता के साथ लोग गर्भपात का प्रतिपादन करते हैं, प्रभुपाद जी जो कारण बताते थे, क्या प्रभुपाद जी बताया करते थे कि अगर पुरुष स्त्री संग करते हैं तो स्त्री गर्भवती हो जाती है और पुरुष अगर तो विवाह नहीं हो रहा है, संस्कार नहीं है, तो फिर वो स्त्री जो होती है उसको परेशानी आ जाती है. तो अभी आजकल के जो रेडिकल फेमिनिस्ट जो वो कहते हैं कि वास्तव में ये क्या है, मिसर्ग ने स्त्रियों के साथ अन्याय किया है. प्रेगनेंसी इज बायोलॉजिकल स्लेवरी एंड एबॉर्शन इज टेक्नोलॉजिकल लिबरेशन. कि ये क्या है, गर्भवती होना ये क्या है, निसर्ग की स्त्रियों के ऊपर लाती गई गुलामी है और गर्भपात ये तंत्र ज्ञान के द्वारा प्राप्त की गई मुक्ति है. अभी कितनी विकृत विचारधारा है ये, समझो ना कि अगर उनको बोला कि अगर आपकी माता ने सोचा होता कि गर्भवती होना एक गुलामी है तो आपका क्या होता, आपका जन्म ही नहीं होता. तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज हम कहते हैं गलत है, इसको तोड़ देना आसान है. और पाश्चात्य देशों में ये हुआ है कि ये ऐसे सत्य है, कई जगह जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि कई बार स्त्रियों के साथ अत्याचार हुआ है, पर ऐसे नहीं कि सिर्फ स्त्रियों के साथ अत्याचार, जगत ही अत्याचारी है. और वास्तव में जो मोस्ट ऑफ द डेंजरस जॉब्स इन द वर्ल्ड आर डन बाय मेन, जो भी खतरनाक नौकरियां हैं, कोई व्हाट इज अ माइन, जब हम जमीन के खन का अंदर जाके खनना, बहुत मुश्किल काम है.
एक भक्त रशिया से आए थे, वो बताते वो कोल माइन में काम करते थे, तो उनका 8 घंटे का काम था और वो जो माइन था, खन था, वो इतना छोटा था कि उसको ऐसे रेंगते हुए से जाना पड़ता था और जहां तक पहुंचने के लिए उनको 1.5 घंटा जाना पड़ता था रेंगते हुए, और रेंगते हुए 1.5 घंटा वापस आना पड़ता, और वो रेंगने कुछ पैसे नहीं मिलते थे। तो अभी ये ऐसे जो है बहुत ही ये जगह सबके सबके लिए कठिन जगह थे। और तो जो फैमिली स्ट्रक्चर है, परिवार का जो रचना है, वह पाश्चात्य देशों में बहुत विध्वंस हो गई है। मैं न्यूजीलैंड में था और वहां पे मैं बात कर रहा था कि किस पाश्चात्य देशों में डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है। नहीं, न्यूजीलैंड में डिवोर्स रेट हाई नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैरिज रेट लो है। ऐसे नहीं है कि विवाह करके साथ में रह रहे हैं, विवाह ही नहीं कर रहे तो फिर डिवोर्स का सवाल नहीं उठता है। पर उससे होता क्या है, उससे फिर या तो बच्चे हो, बच्चे जन्म नहीं होते हैं, बच्चे जन्म नहीं होते तो उनको एक बोझ के रूप में समझा जाता है। और कई रिसर्चर्स, कई संशोधकों ने इसे निकाला है कि अगर कोई परिवार है जिसमें माता पिता साथ में है, तो फिर वहां पर जो बच्चों का पालन पोषण होता है वह अगर केवल माता है या केवल पिता है तो वैसे बिल्कुल होता नहीं है, दोनों का बहुत जरूरी है। तो कोई भी स्थिति है उसका विध्वंस कर देना, कोई भी स्थिति नहीं, कोई भी सिस्टम है, कोई भी पद्धति है, उसको बोल देना ये बुरी है क्योंकि इसमें गलत हो रहा है, इसमें अत्याचार हो रहा है, इसका इसको ठुकरा दो, और ठुकरा देंगे तो होता क्या है, और समस्या आ जाती है। इंग्लिश में कहावत है, द डेविल यू नो इज बेटर देन द डेविल यू डोंट नो। जिस शैतान को आप जानते हैं वो जिस शैतान को आप नहीं जानते उससे अच्छा है। अभी हर समय ये सत्य नहीं है, कभी कभी परिस्थितियां बुरी होती है, पर हमारा मन जो होता है आजकल, खासकर के आजकल के समाज में, कि जो पाश्चात्य विचारधारा है उसमें क्या है, अगर परिस्थिति प्रतिकूल है तो खुद को बदलने का प्रयास मत करो, परिस्थिति को बदलो। परिस्थिति को बदलना मतलब क्या, ये रिश्ता नहीं जम रहा है तो छोड़। मैं कनाडा में था तो वहां पे मैं एक भक्त के घर में रह रहा था, तो बता रहे थे कि वहां पे जो उनके पति है वो यज्ञ करते हैं, अलग अलग यज्ञ, तो विवाह यज्ञ करते हैं, और जो माता जी है पत्नी उनकी, वो फैमिली लॉयर है। अभी फैमिली लॉयर मतलब क्या, ये एक मधुर शब्द है, वो बेसिकली डिवोर्स लॉयर है। तो वो बता रहे थे, वो जो कर रहे थे, हम कंप्लीट पैकेज है। तो मेरे पास विवाह के लिए आओ, डिवोर्स के लिए उसके पास जाओ। तो वो बता रहे, वो माता जी को बता रहे थे कि कैसे है, कोई क्षुल्लक चीजों के लिए लोग अपने संबंध तोड़ देते। तो एक एक वादी बोल रही क्या है कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि मैं ये आई कैन नॉट टेक दिस केस, क्योंकि अगर डिवोर्स भी करना है तो आपको पूरा केस भरना पड़ता है। मुझे वो एक एक औरत आई थी, उनके पास बोलते क्या है कि मुझे डिवोर्स करना है। क्यों? क्या है कि मैं आज सुबह बाथरूम में गई और मैं देखा कि मेरे पति ने मेरा टूथपेस्ट मुझे पूछे बिना दिया था, वो मुझे इज्जत नहीं करता, ये सेपरेट होने। आप सही बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हो, आई एम डेड सीरियस। तो अभी ना हर एक चीज के पीछे कोई कहानी हो सकती है, पर क्या है कि हमारा मन जो होता है छोटी चीजों को बहुत बड़ा बना देता है। तो इन जनरल जब भी मैं किसी काउंसलिंग कर रहा होता हूँ तो एक चीज बताता हूँ कि नेवर टेक इररिवर्सिबल डिसीजंस बेस्ड ऑन रिवर्सिबल इमोशंस। कि हमें लगता है ये इतना बुरा है, छोड़ दो इसको, कुछ पर जब हम कोई फैसला कर लेते हैं वो इररिवर्सिबल, उसको बदल नहीं सकते। तो क्षणिक भावनाओं के आधार पर शाश्वत फैसले मत करो। कभी कभी हमको लगता है ये बुरा है और शायद बुरा हो भी सकता है, पर क्या है, दुनिया में बहुत सी चीजें आती है, ये बुरा होता है फिर ठीक हो जाता है, फिर बुरा होता है ठीक हो जाता है, बदलाव आते रहते हैं। पर जब लोगों में सहनशीलता नहीं होती
सांस्कृतिक स्वभाव। जब यह सहनशीलता नहीं होती है तो फिर क्या होता है, तो फिर छोटी छोटी चीजों पे बहुत सारा बदल कर देते। मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था और उसके बाद में एक अमेरिकन स्त्री और उनकी बेटी उनसे मिलने आई थी। मैं देखी अभी स्टैनफोर्ड जो है वो अमेरिका के IIT जैसे है, बहुत बहुत ही बुद्धिमान कहते हुए थे। और बता रहे थे कि मेरी जो बेटी है पिछले 12 साल से स्टैनफोर्ड में है। अच्छा, अरे 12 साल से फर्स्ट ईयर में। अभी मैं क्या बोले कि वो फ्रॉम 12 ईयर्स शी इज ट्राइंग टू डिस्कवर हर कॉलिंग। मतलब वो फेल नहीं हुए है, 12 साल उसने फर्स्ट ईयर में अपना मेजर चेंज किया है। पहले उसने जब साइकोलॉजी कर ली, साइकोलॉजी बोरिंग है मुझे, अभी फिजिक्स करना है, नहीं फिजिक्स बोरिंग है मुझे, ये अब मुझे हिस्ट्री करना है, पर हिस्ट्री में कुछ रुचि नहीं आ रही। तो 12 साल बदल रहे हमें, उसके सारे फ्रेंड्स है वो अपने करियर में है, उनका शादी हो गया है, उनके बच्चे भी है, और ये अभी तक फर्स्ट ईयर में। तो क्यों, आई वॉन्ट टू फाइंड द सब्जेक्ट विच इज परफेक्ट। ये दुनिया ही परफेक्ट नहीं है, आपको परफेक्ट क्या मिल रहा है। ये क्या होता है कि अगर हम सोचेंगे कि मुझे मेरे जीवन में परफेक्ट चीज चाहिए, कभी कभी ऐसे होता है कि जब मैं पाश्चात्य से भारतीय भी होता है कि कभी कभी आध्यात्मिक समाज में आते हैं वो, हाँ वो देखते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन ये कम्युनिटी अच्छी नहीं है, दिस इज नॉट गुड। तो इसीलिए मुझे ऐसी कम्युनिटी चाहिए जहाँ पे मुझे विच इज परफेक्ट, ऐसा समाज चाहिए मुझे जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो, परफेक्ट हो। तो मैं बता रहा था कि एक्चुअली इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट कम्युनिटी नहीं है, और अगर गलती से कहीं एक परफेक्ट कम्युनिटी होगी तो आपको वहां पे एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप परफेक्ट नहीं हो। तो इसीलिए क्या है कि हमें हमारी जो परिस्थिति है ठीक है उसको बदलना कभी कभी जरूरी पड़ता है, और जरूरी बदल कर सकते हैं, पर वो बुद्धवत ये सब कुछ खराब है, उसकी निंदा करो, इसकी भर्तना करो, इसका विनाश करो, यह जो भाव है वह वास्तव में उससे बहुत घातक परिणाम है। तो जो भी परिस्थिति में है अभी ठीक है, ये परिस्थिति में बदल नहीं सकता हूं, तो इस परिस्थिति में मैं क्या बदल सकता हूं। इफ आई कांट चेंज द सिचुएशन आई कैन स्टिल चेंज समथिंग इन द सिचुएशन। परिस्थिति नहीं बदल सकता, तो परिस्थिति में मैं क्या बदल सकता हूं, और सबसे पहले मैं क्या बदल सकता हूं, मेरी खुद की चेतना बदल सकता हूं। कृष्ण भावना जो है वास्तव में एक तरह से परिस्थिति बदल, कभी कभी परिस्थिति बदलना जरूरी हो जाता है, पर अधिकांश समय में परिस्थिति बदलने से ज्यादा फर्क होगा यह जरूरी नहीं है। अभी हो सकता है, पर महत्वपूर्ण क्या है दैट वो दैट शुड नॉट बी द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, जब नहीं जाए जब कहीं हंस जाए कुछ और कर लेते हैं, जो परिस्थिति है उसके अंदर हम कैसे बदल कर सकते हैं, उसमें मैं खुद को कैसे बदल सकता हूँ। और जब हम ऐसे करेंगे तो उससे क्या होता है, भले ही वो परिस्थिति में हम बदलाव ला सके, हम खुद में बदलाव ला सकते हैं, हम खुद और परिपक्व हो सकते हैं, हम खुद और प्रगतिशील हो सकते हैं, हम खुद भगवान के और करीब जा सकते हैं। तो यही हर जब परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे, तभी हम क्या कर सकते हैं, वास्तव में तीन चीजें हमेशा हमारी शक्ति में होती है। इसके बाद इंग्लिश में पूरा समझा रहे इस पे, पर इंग्लिश में टैब, वी कैन ऑलवेज ओपन अ न्यू टैब इन आवर लाइफ। टैब मतलब अगर आप कंप्यूटर पे कुछ ब्राउज कर रहे हैं तो एक नया विंडो खोल सकते हैं टैब। तो टैब क्या है, TAB, थॉट्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर। हम किस तरह से विचार करते हैं, हम किस प्रकार का भाव रखते हैं, और हम किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये तीन चीजें जो है हमेशा हमें चलती है। अभी जब हम परिस्थिति
हमारा विचार विषय यह है कि अगर ये परिस्थिति ऐसी है जिसमें मैं अभी, ये प्रतिकूल परिस्थिति है पर ये बदलना मेरे लिए संभव नहीं है, तो उसमें मैं खुद को किस तरह बदल सकता हूँ? मेरा विचार, मैं किस चीज का विचार कर रहा हूँ? अभी कृष्ण भावना हम भागवतम जब हो रहे हैं तो उसका भाव, उसका उद्देश्य, उसका मतलब ये है कि वास्तव में हमें भगवान कृष्ण का स्मरण करना है। हम सबके जीवन में समस्याएं हैं और few things make us as unhappy as the idea that everyone else is happy. कि हमें इस चीज से बड़ा दुख होता है क्योंकि हमको लगता है कि बाकी सब लोग सुखी हैं, मैं अकेली दुख खेला दुखी। पर कोई भी व्यक्ति से अगर आप थोड़ा बातचीत कर लेते हो, सुनते हो, और कोई व्यक्ति बाहर से बड़ा ही जैसे लगता है, जिस थोड़ा सा वो सर्फेस कीजिए जाओ, एवरीबडी इज वर्किंग थ्रू देयर ओन ट्रेजेडी। हर एक के जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आई है। तो अभी जब हमारे यहाँ समस्याएं होती है, अगर हम समस्याओं के बारे में ही विचार करते रहते हैं तो फिर वो समस्या और बढ़ जाती है। तो कृष्ण भावना का उद्देश्य क्या है? जब समस्या है तो उसका विचार करना जरूरी है, पर हमेशा उसका विचार करना जरूरी नहीं है। मैं एक भक्त मिला अमेरिका में, वो बता रहे थे कि कैसे उनके दो बच्चे थे और दोनों को अचानक एक ऑटो इम्यून डिजीज हो गया। मतलब क्या है? और उनके शरीर काम करना बंद हो गया। हाँ, और अभी तभी एक बच्चे को हुआ तो बहुत बुरा, दोनों को हुआ तो कैसे करेंगे? तो फिर हमसे बात करते तो उन्होंने बोला कि हमने फैसला किया कि अभी जो समस्या है हम दिन में उसके बारे में जो करना है वो दिन भर हमको करना पड़ेगा, इसका ये ख्याल करना, इसलिए दवाई देनी, इसको यहाँ पर ले जाना, पर उसके बारे में अगर बात करनी है तो हम दिन में आधा घंटा निकाल देते और बाकी समय जस्ट गेट बिजी इन डूइंग वर्क। और अरे ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, क्या करेंगे? नहीं, वो आधा घंटा है उस समय हम बातचीत करके उसका उसके बारे में देखिए क्या करेंगे। तो कैसे है, मतलब उससे क्या होता है? तो फिर मैं थोड़ा उससे विचार कर रहा था कि कैसे हमारा मन जो है एक बच्चे के समान है, और द एंशियस माइंड इज मोर एंशियस दैट देयर इज अ प्लान देन व्हाट इज द प्लान। मतलब क्या है? अगर बच्चा है, अरे वहां पे आग लगे, क्या करेंगे? नाम नहीं, मैं देख रहा हूँ, चाह देख, कैसे देख रहा है? बच्चा नहीं पूछा, देख लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, हम जब मन हमारे बच्चे के समान है तो ठीक है, ये समस्या है मेरे जीवन में जिसका विचार करना है, पर वो समय में निकाल के रखा हुआ है, उस समय में इस व्यक्ति का लोगों से बात करूंगा, मैं खुद का विचार करूंगा और उस समय उसको देख लेंगे। अगर हमारी समस्याओं के बारे में हम हमेशा विचार करते रहते तो आवर प्रॉब्लम्स विल बरी अस, हमको हमारी समस्या जमीन में गाड़ देती है। तो क्या है, कृष्ण भावना से एक रीति रिवाज नहीं है कि कोई मंदिर में आओ, जप करो या पूजा करो, इससे क्या होना चाहिए? इससे हमारा मन भगवान के प्रति आसक्त होना, और हमारे समस्याओं के बारे में विचार करने की जगह पे हम साधारणतः हम भगवान के बारे में विचार करते हैं, भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण। इसका मतलब नहीं कि हम समस्या से दौड़ रहे हैं, पर समस्या के लिए समय हम देते हैं, पर उस समय हम पूरा ध्यान पूर्वक उस क्या कर सकते हैं समस्या के बारे में, पर उस हमेशा उसके बारे में विचार नहीं करते। पर कैसे विचार नहीं करना? विचार आता है, ठीक है, विचार आता है, वो तो आएगा, उसको हम नियंत्रण नहीं कर सकते, पर जब विचार आता है उस पर हम कितना चिंतन करते हैं? ठीक है, विचार आ गया, ठीक है, पर उसके हम ध्यान नहीं देंगे, किसी और चीज को ध्यान देने के लिए अगर हम समझ गए होगा तो फिर वो समस्या हमको भी परेशान नहीं करेगी। तो ये सबसे पहला है थॉट, ये हम किसका किस चीज का विचार करते हैं इसकी शक्ति हमेशा हमारे पास है। फिर दूसरा है एटीट्यूड, विचारधारा या भावना। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये जो परिस्थिति है ये इतनी खराब है कि दुनिया ही बहुत खराब है और मेरा जीवन, मेरी किस्मत ही टूटी हुई है, हमेशा मेरे जीवन में ऐसे ही होते रहता है, ये भाव रख सकते हैं हम। या हम सोच सकते हैं कि जो समस्या है ये किसी इसका कोई उद्देश्य है, दिस ये जो परिस्थिति है ये मेरे विकास के लिए है, ये मेरे वृद्धि के लिए है, ये मेरे
इवोल्यूशन उत्क्रांति के लिए है। अगर हम ये भाव रखते हैं तो जैसे कोई पंछी होता है द्विज के पहले जन्म होता है उसका एक बर्ड शेल अंडा अंडा ओके ठीक है शेल ओके कवच कवच हाँ वो जो वो उसके लिए कवच के समान होता है वो पर उसको कवच ठीक है आप समझ गए जो अंडे के अंदर से जन्म होता है सबसे पहले तो उसको उसका जो अंडे का जो पहाड़ है वो तोड़ना पड़ता है और वो आसान नहीं है और बहुत ज्यादा बड़ा संघर्ष होता है। अगर वो थक जाता है हार जाता है क्यों मैं इसमें फंसा हूँ कैसे कितना टाइट कितना ही टाइट है तो वो अंदर ही फंसा रहेगा संघर्ष करता है और वो संघर्ष से दर्द होता है पर उसका उद्देश्य है उसका उद्देश्य है कि उसकी शक्ति बढ़े उसके पंच और संकल्प हो फिर बाद में बड़ा आसमान है जहाँ पे वो उड़ सकता है। तो हम सबको भी हम जब ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब हमें परेशानी आ रही है तो हम सोचते हैं कि परेशानी ऐसी आ गई है और क्यों ऐसी परेशानी आ गई हम सोचते हैं कि ये जो है ये मेरे विकास के लिए है ये परेशानी से बाहर निकलना इसको सहन करना इसे आगे करना आसान नहीं है पर अगर हम उसको स्वीकार करते हैं तो उससे हमारी वृद्धि होती है। प्रभुपाद जी हम देखते हैं क्या करते हैं कितने सारे उनको समस्याएं आई कभी उनका किसी भी परिस्थिति से आगे नहीं बढ़ पाया आगे नहीं बढ़ गया मतलब 30-40 साल तक वो विचार कर रहे थे कुछ भी नहीं हो पाता कोई भी भक्ति में प्रगति नहीं करता पर प्रभुपाद हताश नहीं थे कभी प्रभुपाद भगवान का स्मरण करे और भाव क्या था उनका वो अमेरिका आ गए थे और जब अमेरिका आ गए थे तो भी उनका भाव था कि भगवान आप कुछ योजना होगी अन्य अच्छे जो भी तक वो हमारे ना चाहते भगवान अगर आपने नाचने के लिए आया हो तो अच्छा मुझे तो हमारी एक जो परिस्थिति आती है अगर हम ये भाव रखते क्यों है ये क्यों आया मेरे जीवन में क्यों ऐसी परिस्थिति आई वैसा भाव भी इससे मेरा कुछ विकास हो सकता है मैं कैसे इस परिस्थिति में खुद का बुद्धि खुद का विकास खुद की उत्क्रांति कर सकता हूँ जब वो भाव रखते हैं तो हम उस परिस्थिति में बढ़ सकते हैं। और आखिरी है बिहेवियर कार्य हर परिस्थिति में हम किस तरह से कार्य करते हैं यह हमारे क्षमता में है मतलब क्या कार्य कैसे कर सकते हैं कि जब हमारे जीवन परिस्थिति बहुत खराब हो जाती है तो उस समय वो जी बताया है कि कैसे कभी कभी हम जीवन में लंबा सोचते हैं 10 साल के बाद क्या होगा 5 साल के बाद क्या होगा अरे ऐसे दूर की योजना करना भी जरूरी है पर जब बहुत विकट परिस्थिति आई है हमारे जीवन में तो तभी बहुत से वेरिएबल्स होते हैं बहुत सी परिस्थितियाँ गलत होती है बहुत सी परिस्थितियाँ बहुत सी ऐसी चीजें होती है वो पता नहीं क्या होने वाला है कोई बीमार है ये बीमारी एक महीने में ठीक होने वाली है एक हफ्ते में ठीक होने वाली है एक साल रहने वाली है फिर अब ये क्या करेंगे वो क्या करेंगे वो क्या करेंगे तो उस समय क्या करना है कि बिहेवियर जो होता है कि रिड्यूस योर वर्किंग फ्रेम कि आप जो काम कर रहे हो एक साल के बाद होगा क्या सोचो मत कि क्या मैं एक दिन के लिए अच्छी तरह से कार्य कर सकता एक मतलब हम सबको पता है कि मैं ये करूंगा तो चल सब तो परिस्थिति और खराब हो जाएगी ये करूंगा तो परिस्थिति और अच्छी हो जाएगी तो अगर जो सही कार्य है क्या मैं एक दिन के लिए कर सकता हूँ एक घंटे के लिए कर सकता हूँ तो छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने और ये जगह से इसको कहते हैं इंग्लिश में SSS स्मॉल सिंपल स्टेप्स व्हेन इन एडवर्सिटी डोंट थिंक ऑफ द बिग पिक्चर थिंक ऑफ स्मॉल सिंपल स्टेप्स छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा सकते हो क्या छोटे छोटे मैं जब अभी मैं काफी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो मैं कई ग्रंथ लिखे हुए और कई ग्रंथ लिखने हैं मुझे मुझे समय नहीं मिलता है तो मैं कई साल से सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा ट्रैवलिंग बंद कर दूंगा और इधर बैठ के लिखूंगा पर वो होता नहीं है तो कुछ महीने पहले मैंने फैसला किया कि मैं रोज कितना भी बिजी हूँ तो कम से कम 6 मिनट लिखूंगा 6 मिनट से क्या होगा पर एक्चुअली 6 मिनट अगर मैं लिखता हूँ तो 100 से 200 शब्द में लिख लेता हूँ और ऐसे अगर एक महीने लिख लेता हूँ तो लगभग 3,000-3,500 शब्द हो जाते हैं
3000 शब्द हो जाते हैं पर बढ़ जाते हैं कभी तो कई बार मिलेगा कि 6 मिनट लिखना इतना मुश्किल नहीं एक किताब लिखना अरे वो तो भविष्य में कोई भी चीज करनी है हम बोलेंगे भागवतम पढ़ना है अच्छा समय मिलेगा तो भागवतम पढ़ूंगा मैं थोड़ा समय कभी मैं एक पेज पढ़ सकता हूँ एक पेज से क्या होगा हजारों पेज भागवतम एक पेज पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला नहीं कुछ होने वाला कि हमारा मन जो है द माइंड इज अ क्रिएचर ऑफ हैबिट इस पॉइंट के साथ मैं अगला बोलूंगा कि मन को अगर आप हफ्ते में 6 घंटा एक बार पढ़ते हैं और रोज 10 मिनट पढ़ते हैं हफ्ते में एक महीने में 6 घंटा पढ़ते हैं और रोज 10 मिनट पढ़ते हैं तो रोज 10 मिनट अगर पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है मन पे एक संस्कार होता है और वो एक आदत बन जाती है तो फिर वो तो बाद में वो आदत के कारण वापस आप पढ़ पाओगे पर अगर मैं जब समय मिलेगा तो 6 घंटा पढ़ूंगा समय में 6 घंटा पढ़ना अच्छा है पर ठीक है क्या 10 मिनट पढ़ सकते 10 मिनट एक परपोर्ट नहीं नहीं तो कोई परपोर्ट 10 पेजेस की होते हैं तो फिर ठीक है आप सिर्फ भागवतम उठा के आप एक लाइन पढ़ो एक लाइन से क्या होने वाला कोई बोलेगा एक लाइन पढ़ने से भले कोई ज्ञान ना आए पर मन को आदत लगे The purpose of doing something regularly is not just to get it done, but also to discipline ourselves. कोई चीज़ हम नियमित पद्धति से करते हैं, उसका उद्देश्य यही नहीं कि ये काम करना है मुझे, उसको मुझे खुद को नियम लाना है मुझे। और अगर हम मन में वो संस्कार हो जाता है, तो इसमें क्या है? मन में संस्कार लाने के लिए मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है। मात्रा एक तरह से महत्वपूर्ण है जरूर अगर हम शास्त्रीय एग्जाम दे रहे हैं तो पढ़ना चाहिए जरूरी है पर जब मात्रा संभव नहीं है तभी भी नियमितता कम मात्रा में भी संभव है कोई भी नहीं कह सकता कि मैं इतना बिजी हूं कि मैं भागवतम उठा ही नहीं सकता अभी तो भागवत उठाने की जरूरत है आपका फोन नहीं भागवतम नहीं जाता है फोन तो हम हमेशा उठाते रहते हैं तो एक पेज खोल के एक शब्द एक परपोट एक पढ़ लो और ऐसे अगर आदत कर लोगे तो क्या होता है हाँ जिस परिस्थिति में मेरे पास समय नहीं है हाँ समय के अभाव सबको है पर ठीक है जो मेरे जीवन है क्या सर एक ड्रामेटिक रूप से बदल होने वाला है मैं अमेरिका में होता है तो कई बात बोलते हैं कि हम इंडिया में आ जाते हैं अमेरिका में हमारा जॉब है इंडिया में सेविंग करके आ जाएंगे और फिर यहाँ पे हम भक्ति करेंगे तो आ जाते हैं तो क्या है यहाँ पे आ जाते हैं तो अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है कैसे दिन चला था पता नहीं चलता है क्या है कि हमारा जो आम अगर हम सबको समय जरूरी है ये मैं शुरुआत जो पॉइंट था उसे कंक्लूड कर रहा हूँ कि हम दो प्रकार का भाग्य देखा एक भाग्य है कि जो हमको क्या मिलता है और दूसरा भाग्य है कि हम उसका क्या करते हैं तो अगर किसी को ऐसी परिस्थिति है उनका भाग्य है कि उनके पास बहुत समय है अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है पर आपके पास कितना समय है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जो समय है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं और अगर हम अभी ठीक है मुझे उसे 2 मिनट में पढ़ सकता हूँ ठीक है 2 मिनट पढ़िए दोस्तों उसे कुछ ज्ञान नहीं आएगा पर उसे आदत होगी अगर उतना हम समय इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उससे क्या होता है हम उस शक्तिहीन अवस्था में भी उसको थोड़ी शक्ति दे रहे हैं जितनी शक्ति हमारे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और महत्वपूर्ण इसके अलावा हम भगवान को दिखा रहे हैं तो भगवान हम हमारी क्षमता से परिस्थिति बदल सकते हैं और भगवान अपनी शक्ति से परिस्थिति बदल सकते हैं और जब भगवान अपनी शक्ति से बदलते हैं तो वो एक चमत्कारिक पद्धति बदल सकते हैं इसलिए हमारी क्षमता में जो भी इंक्रीमेंटल छोटा छोटा हम परिवर्तन कर सकते हैं उतना अगर करते रहेंगे तो हम देखेंगे उस परिस्थिति में भी हम आगे बढ़ सकते हैं और हम देखेंगे कि एक एक के कदम आगे बढ़ाते रहेंगे और ये भगवान कहते हैं शायद भगवान हमें एक कदम लेंगे भगवान 100 कदम ले लेंगे कब लेंगे हमको पता नहीं है पर जो असह्यता और मिलाप का भाव होता है वो भाव नहीं रहेगा एक सक्रियता रहेगी छोटी ही मात्रा में क्यों पर सक्रियता रहेगी तो उससे हम हमारे जगत जीवन में उन्नति के मार्ग पर रहेंगे और इस तरह से कोई भी परिस्थिति हो
उसमें जितनी शक्ति हमारे पास है उसका इस्तेमाल करके हम हमारे जीवन में अग्रसर रह सकते हैं। तो सारांश में आज मैं चर्चा की किस तरह से हम शक्तिहीन परिस्थिति में शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चर्चा मैंने की प्रधान रूप से यहाँ पे मंदोदरी का उदाहरण देखा। मंदोदरी और सीता दोनों कठिन परिस्थितियों में थी। सीता का अपहरण हो गया था और मंदोदरी धार्मिक होके भी रावण को अपहरण रावण अधर्म करते हुए देख के उसको रोक नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे क्या किया, हमेशा वो धर्म का पालन करते रहे। इसलिए वो यहाँ पे राम को दोष नहीं दे रहे, तुमने मेरे पति का वध कर दिया। जो धार्मिक दृष्टि थी उसे देख रही है कि राम तुमने सीता की शक्ति को नहीं समझा, सीता के प्रति अपराध किया, इसीलिए राम ने तुम्हारा वध किया। जिस धर्म के अनुसार वो जी रही थी वो धर्म ने उसको भी इस परिस्थिति में भी किसी को दोष देने की वृत्ति नहीं ला दी उसकी। तो हमने देखा कि किस तरह से कोई भी पद्धति होती है उसमें समस्या होती है। और आजकल का भाव है ये पद्धति को छोड़ दो, ये पद्धति को तोड़ दो। ये इससे ये जो पद्धतियां है, जो परंपराएं है, वह क्या है, एक वृक्ष है जिसके एक इस पर हम बैठे हुए हैं। वो कितना ऊंचा वृक्ष है हमको पता नहीं है, और हम तोड़ देंगे तो कितना नीचे गिरेगा, कितना घायल हो गए उसको हम कल्पना नहीं हो सकती है। तो मैंने इसका एक उदाहरण दिया पाश्चात्य देशों में कैसे, कि जब अगर स्त्रियां सोचती है कि ये पुरुष हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इसीलिए हम समाज हम परिवार में नहीं रहना चाहते, हमको हमारा पूरी तरह से स्वतंत्र रहना चाहते, तो अत्याचार किसी का नहीं होना चाहिए और सबको मौके मिलना चाहिए बुद्धि के लिए। पर जैसे देखा कैसे क्या कि लोग बच्चों को बोझा मान लेते हैं, गर्भपात को एक स्वतंत्रता मान लेते हैं और बच्चों की जगह पे कुत्तों को पाल लेते हैं। और फिर क्या होता है जब बच्चे होते ही नहीं है, बच्चे एक सेपरेशन हो जाता है, विवाह होता ही नहीं है, तो फिर बच्चे अकेले हो जाते हैं, तो पूरी पीढ़ियां जो है अगली पीढ़ियां बिगड़ जाती है और समाज में बड़ा विनाश हो सकता है। तो इसलिए जो कभी कभी परिस्थिति को बदलना जरूरी है, पर अधिकांश रूप से हमें खुद को बदलने का प्रयास करना चाहिए। और कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमने तीन चीजें देखी। कम कितने भी असह्य क्यों ना हो, तीन चीजें हमारे पास होती है। क्या है तीन चीजें, पहला विचार, हम किस चीज का विचार करते हैं। देखा कि हमारे दिमाग में समस्या होती है तो समस्या के लिए समय निकालो, इस समय में इसका विचार करो और बाकी समय कुछ और कार्य में लग जाओ। मन जो चिंतित मन है, विचलित मन है, वो छोटे बच्चे के समान है। तो बच्चे को आश्वासन दो कि इस समस्या का हल है, तो क्या हल है वो ज्यादा पूछता नहीं है, हल है आश्वासन देता है। तो ऐसे जो रोज आधा घंटा एक घंटा समस्या के बारे में विचार करो और बाकी समय दूसरे कार्य में लगाओ। अगर समस्याओं के बारे में ही विचार करते रहेंगे तो समस्या के बाद समस्या हमें अपना देगी, जिंदा हो जाएगी। तो कृष्ण भावना भावित होने का मतलब क्या है, कि हमें हमारा मन कृष्ण को आसक्त करना है, जिससे कि कृष्ण के बारे में उनकी सेवा के बारे में हम स्मरण कर सकें और हमें रुचि लग जाते हैं। दूसरा था विचारधारा, एटीट्यूड। उसमें देखे से कि जो परिस्थिति आई है ये मेरी किस्मत ही फूटी है, दुनिया ही बुरी है, लोग ही बुरे हैं, ऐसा सोचने लगे कि हाँ ये समस्या है पर इससे सामना इसके सामना करने से मेरे कोई उन्नति हो सकती है। इस भाव से अगर हम परिस्थिति में जाएंगे तो वो सकारात्मक शक्ति आएगी। जैसे कोई छोटा पंछियों का बच्चा है, वह अंडे के अंदर होता है तो फिर तो संघर्ष होता है, परेशानी है, संघर्ष है, कोई भी परिस्थिति आसान नहीं है। अंडे के रहना अंदर रहना आसान नहीं है, अंडे से बाहर आना आसान नहीं है, पर वो स्वीकार करता है, आगे बढ़ता है तो क्या होता है, उसकी मुक्ति होती है। तो हमारे जीवन जो परिस्थिति आती है वो भगवान की योजना से हमारे वृद्धि के लिए। और फिर आखिर देखा क्या क्या था, हमारे व्यवहार है वो हमारी शक्ति में। मतलब क्या कि जब बहुत बड़ी समस्याएं हैं तो अभी हम पूरे जिंदगी भर क्या होगा उसका विचार करेंगे तो हम पता नहीं हम पाए। तो उसमें SSS क्या था, सिंपल से छोटी छोटी, मैं अभी अगले एक घंटे के लिए क्या मैं सही तरह से कार्य कर सकता, एक दिन के लिए। और अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो शक्तिहीन परिस्थिति में भी शक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। तो जहां अभी हमारे पास में जो कुछ करने के लिए समय नहीं है तो कितना समय है, एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट तो निकाल सकता हूँ। तो मेरे पांच मिनट में क्या होने वाला है, पांच मिनट में भले ही उस चीज का कुछ नहीं होगा पर हमारे मन को आदत लगेगी। और हमारा भाग्य एक है कि हमें क्या मिलता है। तो अगर बहुत समय है तो बड़ा भाग्य है,
पर दूसरा भाग ये भी है जो हमारे पास है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं। तो जिस परिस्थिति में अगर हम जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अगर भगवान चाहे उस परिस्थिति को एक पल में परिवर्तन कर सकते हैं, और परिवर्तित नहीं भी हो फिर भी अगर हम हमारे विचारधारा और व्यवहार उचित रखते हैं तो हर परिस्थिति कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो इसमें उसमें हम प्रगतिशील रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को सवाल है? Hare Krishna, Prabhupada. Thank you for your class. You made that point that whatever immediate emotions come, we shouldn't be acting on that. That was, I received it. My question is, in the Ramayana movie, Mandodari remains chaste. At the same time, we see Vibhishan changes to the other side. So similarly, there are many instances in the Shastra. There's Bhishma who remains, you know, but Vidura leaves. So then my question was, could you share your thoughts on this? Because in history, there have been instances of abuse of power and all that. Okay. तो फिर मैंने देखा कि मंदोदरी ने अपनी परिस्थिति नहीं बदली पर विभीषण ने अपनी परिस्थिति बदली और राम के पक्ष में चले गए। क्या ये हर एक परिस्थिति में हर एक व्यक्ति का कोई धर्म होता है? तो अलग अलग संबंधों में अलग अलग प्रकार की घनिष्ठता होती है। तो अभी मंदोदरी रावण के साथ रही पर उसमें जो रावण जो अधर्म कर रहे थे वो अधर्म हद से ज्यादा नहीं कर रहे। मतलब एक बार रावण बहुत क्रोधित हो गया और वह सीता का वध करने लगे तो मंदोदरी ने रोक लिया, कहा कि किसी स्त्री का वध करना महापाप है। वध में क्रोध हुआ है तो उनको जो इंद्रजीत का वध हो गया था उसके बाद क्रोध हो गया, सीता इसका कारण है, सीता का मार जिससे तुम्हारे पुत्र का वध किया उसका वध करो, सीधा तुम्हारा करो। तो जो है कभी कभी किसी बुरी परिस्थिति में रहकर कोई जो व्यक्ति बुरे मान के है उसको हम रोक नहीं सकते हैं पर बहुत ज्यादा बुरा करने से कुछ नियंत्रण रख सकते। तो जो उनका पत्नी धर्म था उसके अनुसार वहां कार्य कर विभीषण रामायण में मैंने किताब से बताया था उसमें इसमें विभीषण का विचारधारा लेख है कि क्या विभीषण ने कैसे गद्दारी की। कुछ लोग कहते हैं नहीं विभीषण क्या हुआ था, उसने पूरा प्रयास किया रावण को समझाने के लिए कि अगर आप से युद्ध करोगे तो आपका विनाश हो जाएगा। पर जब वो सुना नहीं तो उसके पास उत्तर विभीषण के पास तीन पर्याय है। एक है कुछ नहीं इस परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकता मैं तो मैं यहाँ से आता हूँ और मैं बनवास मैं बनवास के अनुपस्थ कर सकता हूँ, मैं नहीं जा क्या कर सकता हूँ छोड़ दो ऐसा कुछ। दूसरा वाला यह था कि वो लंका में ही रहकर रावण के खिलाफ विद्रोह कर सकते और फिर अगर विभीषण विभीषण को कहते विभीषण राज परिवार में एक तरह से अगर कह सकते हैं उसका उनका कर्तव्य था उनके भाई के प्रति भी पर वो एक परिवार में थे एक वंश में थे और वो सोच रहे विभीषण सोच रहे थे कि वास्तव में ये जो राक्षस वंश है जिनके जिनके राजा होने का इनका नेतृत्व तो करने की जिम्मेदारी हमारे परिवार को मिली है उन सबका संरक्षण मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अभी राक्षसों में भी वो जो कहते सिविलियंस और कॉम्बैटेंट्स जैसे युद्ध होता है तो अधिकांश लोग जो होते हैं साधारण जीव नहीं रहते कुछ लोग सैनिक होते हैं तो राक्षसों में सब लोग कॉम्बैटेंट्स नहीं सब लोग सैनिक नहीं थे कुछ साधारण लोग भी थे। तो अभी राम विष्णु का उद्देश्य था कि उनका संरक्षण मैं कैसे कर सकता हूँ।
जो साथे सारे लोग हैं, कहा कि अगर मैं राज्य कर लेता हूँ, अगर मैं राजा बन सकता हूँ तो फिर मैं सीता को वापस कर दूंगा और रावण को बाजू को करके, और फिर युद्ध हम डाल सकते, तो जो राक्षस सैनिक है उनका भी विनाश हो सकता है। और तीसरा पर्याय बस था कि मैं राम राम के पक्ष में आता हूँ और राम को बताऊँ कि तुम्हारा युद्ध राक्षस वंश से नहीं है, रावण राक्षस नाम के राक्षस और उसके सहयोग में साथ है, तो सभी राक्षस के प्रति आप चतुर्थन रखिए। अभी पहला पर्याय था वो उन्होंने विषय बोला कि गैर जिम्मेदारी कि मैं मुझे इस पर इस वंश का इस राज्य को संभालना का जरूरी है, मुझे वो मेरा कर्तव्य भी है। और दूसरा बोला कि ये संभव नहीं है, फिर दो चीज़ें थी कि रावण बहुत शक्तिशाली था, उसके खिलाफ कोई विद्रोह करना आसान बेहतर होगा, और दूसरा था कि जब रावण राज्य कर रहा था उस समय लंका भी समृद्ध था, तो रावण बहुत समृद्ध था पर बाकी लंकावासी भी समृद्ध थे, इसीलिए जब लोग विद्रोह कब करते हैं जब वो असंतुष्ट है, तो लोग असंतुष्ट नहीं थे, तो इसीलिए विद्रोह यशस्वी होना मुश्किल था, तो तीसरा पर्याय विकास क्या है, राम के पास। और फिर इसीलिए हम देखते हैं कि उसके बाद में लंका का विनाश नहीं हुआ और नहीं प्रभु श्री रामचंद्र ने लंका को अपना राज्य बना लिया, एनेक्स नहीं किया, क्या किया, विभीषण को उसका राज्य बना लिया। तो इस तरह से हम सबको अपनी परिस्थिति में हमारा धर्म क्या है ये देखना है और हमारे धर्म के अनुसार कार्य करना है, तो कभी कभी परिस्थितियां बदलना जरूरी होता है, पर वह केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, वह अच्छे से विचार विमर्श करके फिर फैसला करना है। तो जब भक्ति मैकेनिकल हो जाती है तो क्या कर सकते हैं हम, हाँ भक्ति तो मैकेनिकल में संभावना हमेशा होती है, इसीलिए हमें देखना है कि हमारी भक्ति में भावनाएं किन कार्यों से प्रवृत्त होती है, किन चीजों से, इसको उज्ज्वल नीलमणि जो जी को स्वामी गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है भक्ति सामर्थ्य सिंधु का अगला भाव, उसने शब्द इस्तेमाल करते हैं उद्दीपन, कि हम सबका अपना अपना उद्दीपन होता है, जिस चीज से हमको भगवान की स्मृति होती है, भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है, कुछ लोगों को कीर्तन से होगा, कुछ लोगों को भगवान के दर्शन से होगा, कुछ लोगों को शायद वो किसी के भक्त के संग से होगा, कुछ लोगों को वो शायद किसी किसी के प्रवचन सुनने से हो सकता है, कोई कोई एक प्रकार की सेवा करने से हो सकता है, तो जो चीजों से हमको हमारे हृदय भक्ति जागृत होती है वह चीजों को हम समझ के वह हमें हमारे उनसे संपर्क जोड़ने की सुविधा साथ में रखनी चाहिए, और उससे क्या होगा, थोड़ा भावना आ जाएगी, और जब मान लीजिए जो अपने अपने मन में लग रहा है, तो शायद कोई आपको भगवान की लगभग पसंद आती है तो उसका एक चित्र साथ में रख सकते हैं और फिर उस पर चिंतन कर सकते हैं, पूरा उस कोई भगवान दर्शन कर सकते हैं, उसको उस रूप को प्रार्थना कर सकते हैं, तो ये इस तरह से हमें देखना है एक तरह से। और दूसरा है कि जो भले ही मैकेनिकल भक्ति हो रही है पर अगर हम उसको इंटेंशनल रख रहे, इंटेंशनल मतलब मुझे मुझे ये करना है, मुझे भी भाव नहीं है पर मुझे मैं चाहता हूँ, सी कृष्णा डजंट जस्ट सी आवर फीलिंग्स, ही आल्सो सीज आवर फीलिंग्स अबाउट आवर फीलिंग्स, कृष्ण अगर हमें भावना ही देखते हमारे भावनाओं के प्रति हमारी भावना क्या है, मतलब क्या है, मुझे आलस है नहीं करना है, तो अभी मैं वो आलस का भाव आता है तब मैं क्या करता हूँ, कृष्ण मुझे आलस है, मैं ऐसा आलसी नहीं होना चाहता, मुझे आलस का भाव नहीं चाहिए, मुझे मतलब क्या है, उस भावना को हम स्वागत नहीं कर रहे, संघर्ष करने का प्रयास कर रहे, तो कभी भी ऐसा होता है कि हाँ वो हम नहीं, कभी भावना नहीं होती है, फिर भी हमें कार्य करते रहना, वही डिसिप्लिन है वास्तव में,
एक विश्वविख्यात लेखक है नोबेल लॉरेट, उनको पूछा गया क्या आप सिर्फ आपको प्रेरणा मिलती तब लिखते हैं या आप रोज लिखते हैं? मैं रोज, मैं सिर्फ प्रेरणा मिलती तभी लिखता हूँ, और मैं इंश्योर, मैं योजना करता हूँ कि रोज 9 बजे प्रेरणा आ जाती है। बोले प्रेरणा कैसे आती है? नहीं बोले चालू कर दो कार्य, धीरे धीरे प्रेरणा आ जाए। So if we wait for inspiration, then we are not devotees, we are readers. And we keep waiting. So agar hum, I mean prerna to acha hai, prerna nahi aayi to bhi usi tarah our dedication is defined by what we do when our inspiration departs. So dedication matlab samarpan, डेडिकेशन और इंस्पिरेशन, हमारे जीवन में कार्य करने के दो चीजें होती है। कौन समर्पित है भाव का कार्य कर, कैसे समर्पित है कि अभी जब भावना है तो सब प्रेरणा से सब कार्य करें, जब प्रेरणा चली जाती है अगर तभी हम कार्य करते रहते तो वह हमारा समर्पण है। और उस समय अगर हम समर्पित भाव रखते हैं तो हम उस समय प्रगति करेंगे। हमें क्या समझना चाहिए कि हाँ अगर वो भावना अनुकूल प्रतिकूल है पर उसमें हम उसे उसके प्रति संघर्ष करने का प्रयास कर, प्रार्थना कर, निवर्त कर बोल रहे हैं, तो फिर चाहे भले ही हमें हम वो पूरा ध्यान पूर्वक भक्ति नहीं कर पा रहे पर हम क्योंकि संघर्ष कर रहे हैं शायद उससे भी हमारी प्रगति होगी, शायद उससे ज्यादा प्रगति होगी, जैसे कि बिल्कुल संघर्ष नहीं है और हमारा मन भी आराम से जा रहा है। तो इसलिए अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो फिर जरूर हम अग्रसर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, गौर मानव।